कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज खाद्य तेल के बाजार के बारे में, सरसों के मार्केट के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सरसों के बाजार में दोबारा से सुधार दर्ज किया गया है। 100 से लेकर 125 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है। मंडियों में 50 से 100 रुपए तक की बाजारों में बढ़त के साथ, सुधार के साथ कारोबार हुआ है। आज सबसे पहले बात करते हैं कि कीमतें क्या देखी जा रही है। तो मस्टर्ड सीड में जयपुर में रेट 7000 है, दिल्ली का रेट 6625 है, बरवाला का रेट 6200, हिसार का रेट 6300 चल रहा है। ग्वालियर में आज का रेट 6400 है, मुरैना का रेट 6175 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा सरसों जो तेल है यहाँ पर कच्ची घानी और एक्सप्लोर का जो बाजार है यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। जयपुर में रेट 1440 है, दिल्ली का रेट 1385 है, भरतपुर का रेट 1420 है, कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1450 है, कोटा का रेट 1440 है, भरतपुर का रेट 1450 देखा जा रहा है। प्लांटों में भी बढ़त दर्ज करी गई है, 1700 का रेट चल रहा है सलोनी शमशाबाद प्लांट का, जिसमें 50 रुपए तक बढ़त के साथ कारोबार हुआ। सलोनी डिगनेर में कीमतें 1700 है, 50 रुपए तक की तेजी आई है यहाँ पर। सलोनी अलवर में रेट 7600 है, 50 रुपए तक दाम बढ़े हैं। सलोनी कोटा का रेट 7600 है, 50 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। गोयल कोटा में इसके अलावा मार्केट में 6850 का रेट है। और अराइवल जो हुई है, जो बात करते हैं अगर आवक के बारे में, तो आवक भी सीमित दायरे में नजर आ रही है। आवक बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं नहीं है, 3 लाख बोरी के सीमित दायरे में दैनिक आवक हो रही है। और मार्केट में आवक सीमित होने की वजह से तेजी आने का और भी अनुमान है, और उसमें से राजस्थान में 1,35,000 बोरी की आवक है, मध्य प्रदेश में 25,000 बैग की आवक है, उत्तर प्रदेश में 40,000 बैग की आवक है, और गुजरात में 15,000 बैग की सरसों की आवक हो रही है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में जो अभी नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव है, और मार्केट में जो अभी रेट जो देखा जा रहा है 1435 के आसपास जो कच्ची घानी का रेट चल रहा है, उसमें आपको जल्दी ही और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और मार्केट में जिस तरह से तेज़ी देखी जा रही है, अगर वैसे ही बाज़ार बना रहता है तो आपको 1500 के करीब भी बाज़ारों में रेट देखने को मिल सकता है सरसों सीड का। तो ओवरऑल जो अभी कारोबार देखा जा रहा है उसमें आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। और अगर आपने अभी तक मॉर्निंग सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो मार्केट प्रेडिक्शन के लिए आने वाले दिनों में कैसा कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल में, सरसों में, इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारा मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं 9:45 का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।